गाइस, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमी लुधियाना। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के भाटनगर चौक में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या स्पेशल हम ढूंढने आए हैं, तो मैं बता दूं कि भाई लंच का टाइम है तो लंच ही करेंगे ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैं बता दूं कि लंच के लिए एक अच्छी सी जगह हमें मिली है और वो है एक्सप्रेस वेजिटेरियन। सो अब यहाँ पे अच्छी जगह आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो यहाँ पे सिर्फ 140 रुपये में आपको पूरी थाली मिलेगी और उसमें चाइनीज़ के साथ इंडियन और घर का खाना आपको भी मिलेगा, यानी कि चावल दाल के साथ आपको चाउमीन नूडल भी मिलेगा। सो ऑनर हमारे साथ सौरभ जी जुड़ने जा रहे हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं, ये भी जानेंगे कि क्या खास है इनके इस थाली में। हेलो सर। हेलो सर, ये बताइए 140 रुपये की थाली में क्या कुछ खास है? 140 रुपये में ऐसे है कि 8-9 सब्जियां लग रखी हैं जी, साथ में तंदूरी चपाती है, लच्छा नान सिंपल चपाती, स्नैक्स अलग से लगा रखा है जी, सलाद होगा अलग से, जीरा राइस होगा अलग से, दही भल्ला होगा अलग से, ऑल इन 140। इंडियन और चाइनीज दोनों मिक्स? इंडियन चाइनीज दोनों मिक्स है जी इसमें। सर ये बताइए कि ये अलग कॉन्सेप्ट जो 5-स्टार होटल्स में भी हमें देखने को नहीं मिलता, कैसे आया दिमाग में ये आइडिया? ये मैम ऐसे कि एक्चुअली मैं बेसिकली पकड़ता हूँ जी मिडिल, जो मेरे भाई जितने मेरी उम्र के जो हैं या फिर जो मेरे रेंज के हैं, जिनका जितना लेवल थोड़ा हाई नहीं है ना, ठीक है, और थोड़े से भी लो जो होते हैं, उनके लिए मैं एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा कोई हाई फाई में ज़्यादा बिलीव नहीं करता एक्चुअली, तो उनके लिए उनको सफिशेंट रहे, वो रोज में बता सके, मैं बता के खा सके, तो मैं उस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो मेरा कंसेप्ट नहीं चल रहा है। फुटफॉल कितनी होती है? फुटफॉल में फिलहाल देखिए लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से पहले वाले ठीक था, पर अब जैसे कि बिल्कुल ही लोगों में भी हुआ है कि नहीं जाना बाहर, मंगाना करना नहीं, तो थोड़ा है, इतना नहीं है, पर काम चल रहा है, भगवान जितना दे रहा उतना ठीक है। होम डिलीवरी सर्विस कुछ? होम डिलीवरी मैम ऐसे फिलहाल तो हम खुद नहीं कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी के थ्रू हम करवा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, थोड़ा सा कमीशन लेते हैं अपनी हल्की सी, अदरवाइज हो रहा है। कितना टाइम हो गया इसको मैम? तकरीबन 1.5 साल हो गए अभी खोले को। बेचली है कि ये लोगों को फिलहाल इसके बारे में पता नहीं होगी, लुधियाना एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे कोरोना चल रहा है, एक तो लोग कम निकल रहे हैं, कुछ कभी कर्फ्यू लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहा, तो लोगों को है कि मतलब अभी लोग अपने अपने सारे मस्त हैं, तो अभी फिलहाल मेरा इतना भी है नहीं अभी हुआ। 140 में आप लोगों को भरपेट खाना खिला रहे हैं, एक तरह से सेवा भावना ही है ये, तो ये बताइए आपको क्या बेनिफिट? सर बेनिफिट तो कोई भी नहीं है, देखिए पहली बात तो बता रहा है कि 140 में आपको कभी भी आप बिजनेस नहीं कर सकते, 140 में इतना कुछ दे के आप नहीं कर सकते। देखो पहली बात तो इतना कुछ लगा रखा है, जैसे एक सेवा ही है, मेरे और कुछ नहीं है, भगवान ने इतना दे रखा है कि हम आगे बांट रहे हैं, और क्या चाहिए, इससे बड़ी बात क्या है। तो सर ये बताइए कि कॉन्सेप्ट 1.5 साल पहले जब आप यहाँ शुरू आपने किया था, पीछे कोई? मैंने इसलिए 1.5 साल से तो नहीं है, खैर ये कि इसको हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए एक्चुअली। ये हमारा मेन शुरू हुआ था हिमाचल में माउंटेनिंग स्पॉट के नाम से, वहाँ पे हमने 99 रुपीज़ में शुरू करा था जी। तो तब से लेकर तब तक हम वही चला रहे हैं, लेकिन हार्डली 7-8 साल में सिर्फ हमारा मतलब 40 रुपये बढ़ा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मतलब उस टाइम पर जो हमारी सोच थी आज भी एग्जैक्ट वही है, उस टाइम पर जो हम मतलब क्वालिटी दे रहे थे आज हमारी क्वालिटी वही है, तो वो एनहेंस ही हुआ कि हमने पहले स्नैक्स नहीं दे रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्नैक्स भी ऐड कर दिए, लेकिन सब कुछ वही है। सो 140 में थाली, कहते हैं कि ये फैमिली पैक है पूरी तरह से, सो अगर किसी घर में गेस्ट आता है स्पेशल, तो उनके लिए क्या? मैम ऐसे बेसिकली घर में गेस्ट आता तो यहाँ पे लेके आए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ग्रुप्स में आना शुरू, यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल सिंगल फैमिली, को ग्रुप में क्या है कि एक बंदे जितना ज़्यादा हो जाएंगे 1000-1500 में आपका पूरा ग्रुप हो जाएगा पूरा, अगर आप यही आप बाहर जाएंगे तो कम से कम 5000-6000-10000 आराम से लगता है, लेकिन आपको वही सेम चीज़ है, क्योंकि देखो इंडियन में खाना तो वही है ना, दाल चावल है तो आज जाके वही आता है, मेरे पास सेम एग्जैक्ट वही लग रखा है, लेकिन जैसे 140 में लगा रखा मैंने, आपका जहाँ 5-6 हज़ार लगा वहाँ पे 1000 में पूरा 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 ग्रुप आपको सेटिस्फाइड हो जाता है। सर इन केस जैसे 140 में आपको फैमिली पैक मिल रहा है, तो और कोई स्पेशल ऑफर इसके साथ में? स्पेशल ऑफर्स मैम ऐसे तो ऐसे तो नहीं है, फिलहाल तो मैं बस 140 का ही लगा रखा है मैंने। हाँ आगे जाके मैं जैसे पूरी वगैरह शुरू करूँगा संडे स्पेशल, साथ में साउथ इंडियन वगैरह होता है वो भी, मैं पहले मेरा लग रहा था लेकिन अभी थोड़ा स्टाफ की वजह से थोड़ा दिक्कत है मेरे को, तो फिलहाल मेरा अभी वो लग नहीं रहा है, अदरवाइज मैंने सारा सोच रखा है कि मैं सारा कुछ शुरू करूँगा, साथ में मैं मीठा में भी देना शुरू करूँगा, जैसे कोई सीजन वाइज ठंड में कभी आइसक्रीम लग गई, कभी कुछ लग गया, गर्मियों में कुछ गजरेला लग गया, गुलाब जामुन लग गया, तो भाई कुछ ना कुछ करूँगा। फिलहाल जैसे अभी तो जस्ट खोला है काम, अभी तो सरकार ने हमें मसीह हमें करने को दिया है, तो फिलहाल तो वही चला रहे हैं, चलो एक बार सेटअप हो जाए फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। काफ़ी हमने खासियत यहाँ पे सुनी है, सो ये भी बताइए कि अगर कोई वेस्ट करता है उसके लिए क्या सज़ा है?
वेस्ट तो मैम ऐसे देखिए पहली बात तो करना ही नहीं, सबसे बड़ी सजा है इंसान का कि वो वेस्ट करके जा रहा है पता होने के बावजूद कि आज बहुत लोगों को खाने कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर आप करें कि सजा की बात है तो देखिए वैसे तो कुछ ना कुछ कर सकता नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन इतना कर रखा कि मैंने अपने हर जगह अपने हॉल में 100-100 रुपये लगा रखे कि जो इतना सा भी झूठ छोड़ेगा उसको 100 रुपये फाइन लग जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि देखिए मैम झूठ छोड़ने का सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आप मेरा खाना ऐसे का कि आप रोज़ रोज़ किसी जानवर को नहीं खिला सकते। जानवर खाएगा एक बार दो बार चार बार खा लेगा, अगर वो भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि है तो मतलब रब का जी है तो कितना खा लेगा वो, इतना स्पाइसी खाना होता है, कुछ होता है, मैदा होता है, ऊपर से झूठा मैं किसी को दे सकता नहीं, गरीब भी झूठा नहीं, मैं अपने को चढ़ता कि मैं क्यों झूठा दूँ उसको, तो ये सारा का सारा मेरे को डस्टबिन में ही देख करना पड़ता है। ठीक है जी, वो दिक्कत मेरे को आती है, लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपको मैंने बफे लगा रखा है ऊपर से रेट अगर मैंने 140 दे रखा है तो आपने ये नहीं है कि प्लेट भर के पहले एक बार डाल लिया उसके बाद खाया नहीं। बेसिकली इंडियन मेंटालिटी होती है कि आपके टेबल पे सारा कुछ आपको आ जाना चाहिए, सर्व हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे लगता है बफे, तो आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है, तो लोगों को यही दिक्कत आती है कि वो क्या करते हैं इतना ना करना पड़े तो वो एक बार में ढाल के बैठ जाते हैं, लेकिन वही उनसे मुड़ के फिर खाया नहीं जाता, फिर वही सारा वेस्ट जाता है। तो जो जो वेस्ट करता है उनसे हम 100 रुपये लेते हैं, तो 100 रुपये अगर हम ले भी रहे हैं तो वो भी हमारे इसमें ऐड नहीं होता, हम जाके संस्था में किसी भी दान कराते जाके। जैसे कि हमने देखा कि जब एंट्रेंस पे जैसे टोकन लेने का सिस्टम है तो पूरा प्रोसेस बताइए कि हमें थाली कैसे मिलेगी यहाँ। ओके मैम, ऐसे पहले आप एंटर करेंगे आपको सबसे पहले कैश काउंटर आएगा आपके पास, ठीक है जी। कैश काउंटर पे आपने पर मेंबर कूपन लेने हैं, हमारे पर कूपन एंट्री होती है, पर मेंबर एंट्री होती है, जितने मेंबर्स होते हैं उतने कूपन लगेंगे। बच्चे का जी हम हाफ लेते हैं, जो 3 से 9 साल के बच्चे हैं उनका हम 70 रुपीज़ लेते हैं, हाफ लेते हैं, ठीक है बच्चा कितना खा लेगा। फिर जितने आपके मेंबर्स हो गए आप अंदर जाइए, कूपन सामने काउंटर पे दीजिए, वहाँ पे आपको प्लेट पर जितने कूपन होंगे उतनी प्लेट्स मिल जाएंगी। आगे स्टॉल्स लगा रखे हैं, जैसे एक शादी में हम जाते हैं तो पूरे स्टॉल्स लगे होते हैं, आपको अपने जैसे सब्जी वगैरह डाल के सलाद डाल के आराम से बैठ जाना है और चपाती आपको टेबल पे सर्व हो जाएगी। होता क्या कि लोग चपाती साइड पर रख देते हैं ताकि बॉक्स में, ताकि उनको द्वारा द्वारा घूमना ना पड़े, वेट ना लगाने पड़े, लेकिन हमारी क्या सोच है कि हमें जैसे खाना मतलब गर्म खिला रहे हैं तो चपाती भी गर्म गर्म तंदूर से लगती आनी चाहिए, लाल लाल बढ़िया मिलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मिलनी चाहिए, तो हमारी सोच यही है। मैसेज क्या कन्वे करेंगे सभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं? मैसेज तो मैम सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बात तो अगर मैंने बफे लगा रखा है तो झूठ ना छोड़ें। हाँ, मेरे को सेवा का मौका भगवान ने दिया है तो आप आके मेरे को मौका दीजिए कि मैं आपको सेवा कर सकूँ आपकी जी। उसके बाद मैम ये कि मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मैंने बहुत बढ़िया लगा रखा है, एक बार आप विजिट करें आपको खुद मेरे को बता के जाइएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो पैसे दान करिए, नहीं करेगा तो कोई लोड़ नहीं करेगा, ना मैं गुस्सा करूँगा ना मैं मांगूंगा, इवन मैं मांगता भी नहीं, जिसको यहाँ पे जरूरत है वो आके पैसे दे जाएगा, जिसको नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सोच काफ़ी उमदा है और सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है और एक अच्छी फैमिली जो है पूरा फैमिली पैक है उनके लिए भी है, स्पेशल अगर कोई गेस्ट आता है उनके साथ भी आप आइए। सो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर विजिट करें और ऐसे ही देखते रहें। आई एम लुधियाना, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।